प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मोंटेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित गूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। हमारे साथ हैं समाज सेवी डॉक्टर जगदीश गांधी जी। गांधी जी, आपका नाम गांधी क्यों पड़ा? देखिए, मेरे चाचा जी जेलों में रहते थे गांधी जी के साथ, और जब भी वो जेल से छूट के आते तो गांधी जी के बारे में बताते, हम जब बहुत छोटे थे तो मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि हमें गांधी जी के दर्शन करने मिल जाएंगे। तो मैंने चाचा जी से कहा हमें दर्शन कराइए। बोले कि अभी तो बिजी हैं, जेलों में हैं, लेकिन जब आज़ादी मिलेगी तो हम तुम्हें करा देंगे। आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद नोआखाली कांड हो गया, जिसमें 5 महीने 5.5 महीने बिजी रहे और 30 जनवरी को उनको शहीद कर दिया गया। 30 जनवरी को 48 को जब मैं एक टीचर के घर से पढ़ के आ रहा था, एक पेड़ के नीचे 40-50 लोग खड़े थे, गुमसुम, बिल्कुल शाम का वक्त था। तो मैंने पूछा कि सब लोग चुपचाप खड़े, क्या बात है? बोले बड़ी बुरी खबर है। हमने कहा क्या है? बोले गांधी जी को गोली मार दी किसी ने और गांधी जी मर गए। इट वॉज सच ए शॉक ऑफ लाइफ टू मी, इट वॉज ए शॉक ऑफ लाइफ फॉर मी कि गांधी जी के मैं दर्शन कभी नहीं कर पाऊँगा। 12 वर्ष की उम्र थी मेरी। मैंने पिताजी से कहा मैं अपना नाम बदलूँगा, मैं जगदीश अग्रवाल से जगदीश गांधी करूँगा। आपने 12 वर्ष में ही गांधी नाम अपना नाम बदल लिया और फिर मैंने तय किया कि मैं गांधी जी के रास्ते पर चलूँगा। डॉक्टर साहब, आपने जो आपके बच्चे थे 5 थे, 5,000 हो गए, लखनऊ में ही क्यों आप अभी तक आप सीमित हैं? 55,000 बच्चे हैं, कई आपके स्कूल लखनऊ में, इसको समाज सेवा कहें या बच्चों का ज्ञान है, तो इस आप अपने इंस्टीट्यूशन की ब्रांचेस और क्यों नहीं डालते हैं? बात ये थी, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। लखनऊ में हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या हमारी शिक्षा का कोई प्रभाव समाज पर पड़ सकता है। तो ओवर द ईयर से पड़ता है, तो समाज का प्रभाव, समाज के ऊपर प्रभाव पड़े, ये था। एक शहर हमने चुना, इसमें हम अपना कार्यक्षेत्र बनाएं और बच्चों की शिक्षा के माध्यम से क्या हम पेरेंट्स तक जा सकते हैं? मेरा मानना है कि स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलेंगे, रोके हैं किसी के भी रोके से न रुकेंगे। अब बच्चे चले, टीचर चले, पेरेंट्स भी चले, हम सब के सब मिलकर स्कूल की ओर चलें, जीवन को परिवर्तन के लिए, दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, विश्व में परिवर्तन के लिए। तो कहाँ अभी आपके बच्चे कहाँ कहाँ जा चुके हैं? सारे वर्ल्ड में कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर हमारे सीएमएस के बच्चे न गए हों। वहाँ क्या करते हैं बच्चे जाके? जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का कंपटीशन है, साइंस के कंपटीशन है, एस्ट्रोनॉमी का कंपटीशन है, कंप्यूटर के कंपटीशन है, तरह तरह के कंपटीशन पे भेजता हूँ। इसके अलावा और कई चीज़ों में, जैसे कि अभी हमने 73 बच्चों को यूनाइटेड नेशन पर भेजा योगा करने के लिए 21 तारीख को, और उसके साथ साथ वो जॉन एफ कैनेडी स्पेस रिसर्च
सेंटर भी गए और भी अमेरिका का बहुत कुछ देखा। इस तरह से हम बच्चों को इसमें भेजते रहते हैं। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही, इसका मकसद क्या होता है? कौन सी, कितने अभी और कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं आपकी? चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हो रही है, तो ये एक ऐसी अजीब चीज़ है जो मैं खुद ही मेरी कल्पना के बाहर है कि मुझसे जब मैंने शुरू करने के लिए किसी जज से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा तुम क्या जज हो? मैंने कहा नहीं। तुम वकील हो? नहीं। तुमने कभी कानून पढ़ा है? मैं नहीं। तुम्हें संविधान देखा है? तुमने? मैं नहीं देखा। फिर तुम कैसे कहते हो चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस करोगे? मैंने कहा मेरे और की पीर कोई जाने ना, मैं जानूँ या प्रभु तू जाने, और तुम्हारे गिर कोई जाना। मेरे मन में यह है कि 2.5 अरब बच्चे हैं संसार के, इनका फ्यूचर अंधकार में होता जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 बिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड एंड द जनरेशन सेट टू बी बॉर्न हैज बिकम प्रोग्रेसिवली मोर इनसिक्योर एंड अनप्रोटेक्टेड ड्यूरिंग पास्ट 7 डिकेड्स सिंस द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड द रिसेंट स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्टॉक पाइलिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, मिलिट्री रिसर्च एंड फियर ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड वार एंड ए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो ये जो बच्चे जितने बम बनते हैं उतना ही भविष्य बच्चों का अंधकार में और सुरक्षित हो जाए। मेरे भी बच्चे, मेरा एक नाती भी है, आई लुक इन टू आई, मेरी गोदी में खेलता है। मुझे डर लगता है कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। अब मेरी उम्र बहुत है, तो मेरी 83 साल की उम्र है, तो मेरे को डर लगता है कि इस बच्चे का क्या होगा। और इनके अलावा जो मेरी बेटी बेटियाँ हैं उनके और जो बच्चे होंगे जो अभी जन्म नहीं लिए हैं उनका क्या होगा। तो मेरे दिमाग में आता है कि कुछ करना चाहिए एक चींटी की तरह। डॉक्टर साहब, अगर शिक्षा की बात की जाए तो पूरे देश की, अगर शिक्षा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बदलाव की बड़ी ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि अभी शिक्षा जो स्तर है वो बहुत कम है? जब से हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1750 से, तब से आप देखें सारी दुनिया में ये जो शिक्षा पहले थी भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तीनों को लेकर थी, वो धीरे धीरे करके भौतिक की तरफ चली गई। ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना इंडस्ट्री का और सेल के लिए प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है, ज़्यादा प्रॉफिट्स लाने हैं, इस सब की तरफ दृष्टि चली गई। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी ये हुआ कि उसके लिए तैयार करना है। आपके स्कूल में बच्चे आते हैं, एक फीस निर्धारित है, लेकिन जो गरीब बच्चों उनके लिए कहीं आपने सोचा है कि उनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए? अवस्थी जी, अकेला स्कूल है वर्ल्ड का, इंडिया का, लखनऊ का, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की फीस माफ़ है। नंबर वन, मेरे यहाँ 1535 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस या तो 10 रुपये है या 20 रुपये है। मेरे यहाँ 40% या 20% कोई भी बच्चा आता है वो लौट के नहीं जाता, माफ़ कर देता हूँ मैं। जो गरीब हैं, मेरे यहाँ रिक्शे वाले, चपरासी, आया, सिपाहियों के बच्चे, ठेले वालों के बच्चे, खोमचे वालों के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, नई सरकार बनी है, आपको नहीं लगता कि आपको इस संबंध में एक पहल करनी चाहिए सरकार से कि जो और भी प्रदेश में स्कूल्स हैं जिनकी हालत खस्ता है, जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, स्कूलों की हालत खराब है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, ऐसे बेसिक शिक्षा की बात अगर हम करें कम से कम उसमें कुछ बदलाव हो? देखिए, हमारे प्रदेश में बहुत काम हुआ है इन 7 महीनों में, जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो MLA भी रहा हूँ और मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन 7 महीनों में वास्तव में बहुत काम हुआ है। गांव-गांव में स्कूलों में दशा सुधारी जा रही है, एकदम नहीं सुधरेगी। टॉयलेट्स बन रही हैं, उनमें क्लासरूम बन रहे हैं, हज़ारों की तादाद में स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे करके ये सब काम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से व्यापक काम शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यूपी की गवर्नमेंट कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है और भी करेगी। अभी योगी जी ने एक आदेश और भी दिया है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें, सरकारी स्कूल हैं, उनमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, इंग्लिश की पढ़ाई होगी। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग उनका दृष्टिकोण है और इस लुकिंग दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार कर रही है और बहुत धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब राजनीति में आए, विधायक बने, तो राजनीति से एकदम अरुचि कैसे हो गई? आपने फिर दोबारा राजनीति में कदम नहीं रखा? यह हुआ कि मैं, जैसे मैंने बताया कि लंदन में मैं गया और वहाँ मैंने कॉन्फ्रेंस की, और लंदन में मेरी सेकंड इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 47 नेशनैलिटीज़ के 220 डेलीगेट्स आए, उसमें 22 यूथ आए भाई धर्म के, भाई फेथ के। उन लोगों ने जो स्पीच दी उसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका कहा कि विश्व की एकता के लिए विश्व एकता ज़रूरी है, आज विश्व में जो समस्याएं, तो उसी में था कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बने, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने, वर्ल्ड की, ये धर्म में लिखा है, भाई धर्म में। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं भाई बनना चाहता हूँ। उन्होंने एक कार्ड दे दिया, मैंने कार्ड साइन कर दिया, मेरा नाम पता नोट हो गया, मुझे यहाँ भेज दिया उन्होंने, इंडिया में उनका दफ्तर है दिल्ली में भाइयों का,
और मैं भाई 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 कार्यक्रम में तो भाई आपने भाई धर्म स्वीकार कर लिया। भाई धर्म स्वीकार कर तो लिया। आप हिंदू नहीं रहे? नहीं, हिंदू तो हूँ, आज मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बहुत सब कुछ और बन गया मैं, क्योंकि भाई धर्म में कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, सबको अपने से जोड़ लेना है। 55,000 बच्चे हैं लखनऊ में, तो अभी कितना लक्ष्य और है कि आप लखनऊ में और बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे, स्कूल्स बढ़ाएंगे? बता रहे हैं, बात यह है कि लोग बहुत फोर्स कर रहे हैं, हमारे बच्चों को लीजिए, बच्चों को लीजिए, बहुत कहीं जगह नहीं है, किसी जगह भी, लेकिन इतनी डिमांड है कि जिसका कोई ठिकाना। आपकी उम्र 83 साल है, लेकिन काम आप 48 साल वाला करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी क्या, साधारण वेजिटेरियन फूड खाते हैं और मत, और कुछ नहीं। मैंने ये महसूस किया हुआ थी, यदि अच्छे इंटेंशन हों, पवित्र मंतव्य हों, और पवित्र मंतव्य ईश्वर का काम करेंगे, ईश्वर की शक्ति भी आपके साथ हो जाती है, कोई ना कोई डिवाइन मिस्ट्री ज़रूर होती है, और डिविनिटी तभी आपके साथ आएगी जबकि आपके अंदर कोई डिवाइन काम करने की फीलिंग हो। डॉक्टर साहब, आप जो आपकी आय होती है स्कूल में, ज़्यादातर हिसाब समाज सेवा में खर्च करते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये जो आय है वो मेरी MLA की पेंशन है, और बाकी थोड़े से पैसे मैं स्कूल से लेता हूँ, शायद 60,000 मुझे मिलते हैं, और इतने भी पैसे मैं खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा सादा जीवन है, मैं एक तख्त पर सोता हूँ कमरे में, आप कभी आए तो मेरा सौभाग्य होगा, तो मेरा जो ऑफिस है उसमें 4 ऑफिस लगते हैं, एक टेबल पर, वो मेरा ऑफिस भी है, ड्राइंग रूम भी है, वो मेरा गेस्ट रूम भी है, और वहीं पर जब खाना आ जाता है तो डाइनिंग हॉल बन जाता है मेरा, वहीं खाना। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा एक लंबा जीवन समाज सेवा में, संघर्ष का जीवन आप रहा है, जीवन के कुछ ऐसे क्षण जिन्होंने आपको कष्ट दिया हो, और ऐसे क्षण जिसको आप आनंदित किया हो? जब आदमी इस बात को जान जाता है कि प्रगति का मार्ग, सफलता का मार्ग कठिनाइयों, विपत्तियों से होकर ही निकलता है, तो उसे कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ उसे ईश्वर की कृपा मालूम पड़ती हैं। भाई धर्म में कहा गया है कि डिफ़िकल्टीज आर द लेटेस्ट टू हेवन, और ये जो डिफ़िकल्टी, तो कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ हैं, ईश्वर की हेतु की कृपा है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक क्षण जिसने आपको इतना आनंदित किया हो, तब आपको लगा अब सब कुछ मिल गया? देखिए, ऐसा क्षण तो मेरे जीवन में ऑलमोस्ट एवरी डे ही है। अब चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने लोग आ रहे हैं सारे वर्ल्ड से, 60 देशों से, और चिट्ठी पे आ रहे हैं, चिट्ठी डालने पर, तो ये तो इतना आनंददायी क्षण है, हर जगह आनंद ही आनंद है। मेरे 55,000 बच्चे जब मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कभी कभी मैं गोमती में एक दिन खड़ा था, बाई चांस सैकड़ों हज़ारों कारें वहाँ बच्चों की आई, बच्चों को लेने के लिए, मैंने कहा ये मैं तो गाँव का गरीब आदमी, गाँव का आदमी, मेरे गाँव में मेरे चाचा जी की मिठाई की दुकान थी, तो मैं घुटने पहन के जलेबी बेचा करता था, तो मुझे याद आई, मैंने कहा भाई, और टाट के कपड़े मैंने पहने, एक एक रोटी पे ट्यूशन पढ़ाया, मैंने चौका बर्तन भी किया खाने के लिए, तो मैं चौका बर्तन करता था किसी घर में, और मैं अखबार बेचता था, और आज इतने बच्चे आ रहे, मैं रोने लगा, मेरे भगवान तेरी क्या माया है, क्या मिस्ट्री है तेरी। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर जगदीश गांधी जी, जिनका एक सपना है कि वो विश्व शांति में अपना कुछ न कुछ सहयोग प्रदान करें। उनका ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है, और उन्हें पूरी उम्मीद है आगे आने वालों में शिक्षा में बड़ा सुधार होगा।
the seeds of Mahatma Gandhi's vision, people building peace, are being nurtured in India in a school called City Montessori School, popularly known as CMS. Established in 1959 with 5 pupils and the founders Drs. Jagdish and Bharati Gandhi as first teachers, today in its strength of nearly 55,000 students with its name in the Guinness Book of World Records as the largest school by pupils, CMS also stands out because of its philosophy till today of its efforts to promote the universal values of education for peace and tolerance at a time when these values are increasingly being challenged. CMS has been awarded the UNESCO Prize for Peace Education in 2002, thereby becoming the world's first school recipient of this prestigious award in the award's history. Every activities of Dr. Gandhi have shown how parents and society can be involved, motivated, and molded to become partners for positive change in the lives of children. It is for this same reason that Dr. Gandhi convenes the international conferences of the Chief Justices of the world that aims to create a common enforceable international law to safeguard the future of the world's now 2.5 billion children and generations yet to be born. Insofar, 1,098 Chief Justices, judges, and heads of states from 126 countries have participated at this international conference. The world is yet again on the brink. The prospect of a nuclear confrontation between the United States and North Korea, reminiscent of the Cold War of the last century. It is at this juncture, the 18th International Conference of Chief Justices of the World on Article 51 of the Constitution of India, the World Peace Congress 2017, called by City Montessori School for the safety of world's nearly 2.5 billion children and generations yet to be born, is relevant. Another interactive session with the Chief Justices, Deputy Chief Justices and Senior Judges of the Supreme Courts took place at the lounge. I feel now that there is no need to add E to number 1 because under 3 it is covered. In 3A and 3D both cover it. 3A really covers peace education and 3B covers human rights education. The guests then proceeded to CMS Gomtinagar Second Campus Auditorium where a cultural evening awaited them. Chief Guest Mr. Keshav Prasad Maurya, Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, arrived at the venue. After the lamplighting ceremony, Mr. Maurya said, "World needs to find solution from global terrorism." मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जिस उद्देश्य को लेकर के आज का यह आयोजन रखा गया है, वह उद्देश्य जिसको यहाँ पर अलग अलग सत्रों में हमारे अलग अलग महानुभावों के द्वारा, हमारे भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे लॉ मिनिस्टर के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से आपके सामने रखा गया है, उसके साथ मैं अपने को संबद्ध करता हुआ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में शांति के लिए, विश्व में एकता के लिए लगातार प्रयास करने का काम किया है। यद्यपि आतंकवाद का बहुत दंश हमारे भारत को भी झेलना पड़ा है, जो छोटे बच्चे हैं आतंकवाद के कारण, जिनको, जिन बच्चों को अपने माता पिता को खोना पड़ता, उस अनाथ अवस्था में जो पहुंचते हैं, उनके लिए शांति ही एक सबसे बड़ा रास्ता है। प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन थैंक्ड द चीफ गेस्ट।
Principal of CMS Jopling Road Campus, Mrs. Manju Nautiyal, steered the entire evening's proceedings with aplomb. Jai Jagat. The challenges of the 21st century, political, economic, social, environmental, or demographic, are global in nature. And to take part in this International Conference of Chief Justices of the World, Mr. Brijesh Pathak, Minister of Legislative, Justice, Conventional Energy Source and Political Pension, Government of Uttar Pradesh, appeal by CMS students. In a world where the future of children is increasingly becoming insecure due to the rapid spread of international terrorism, civil wars and conflicts, deteriorating environment, hunger and poverty, it is absolutely necessary that the world's judiciary gives us, the children, the right to bring legal action on our own behalf. After the lamp lighting ceremony with the chief guest, the plenary session was presided over by His Excellency Sir Iyakoba T. Italeli, Governor General of the Republic of Tuvalu. Let us work against injustice on all levels and on a global scale, was the call by Ms. Justice Pamela Maria Martinez, Vice President and Judge Constitutional Court, Ecuador. We usually don't know enough about rights. The ones we generally know are the right to food, a safe place to stay, and that we should be paid for the work we do. But there are many rights we don't know about, like education, healthcare, or everyone has the right to be recognized everywhere as a person before the law. All of we are equal before the law. A judicial system which is not sensitive to the rights of children cannot be said to be effective, opined Ms. Justice Zolzaya Punsang, Judge Supreme Court, Mongolia. In the past 25 years, Mongolia pursued peace-loving, open, multi-pillar foreign policy. We also recorded notable success in strengthening human rights and freedoms, rule of law and democracy. The beauty of democracy is the citizen has the power to bring change. Mr. Brijesh Pathak thanked Dr. Jagdish Gandhi for leading us to a new era of peace and security. The world is going through very challenging times and humanity everywhere is plagued with problems which seemingly have no solution in sight because the world is one family and we all share its boundaries. We should also share our responsibilities towards it. We have inherited the earth from our forefathers and we must take care that we hand it over to our children and grandchildren in a better than they found it in. We're really honored, sir, to have you here this morning. Thank you so much for sparing your most valuable time to be with us this morning. Thank you. To work for establishment of a world parliament to enact enforceable world laws, a world government and a world court of justice as the earliest was demanded by Mr. Ratan Chandra Gupta, General Secretary of Chief Justices Conference. Yahan har shakhs har par hadsa hone se darta hai. Khilona hai jo mitti ka fana hone se darta hai. Mere dil ke kisi kone mein ek masoom sa bachcha badon ki dekh kar duniya bada hone se darta hai. The present challenge is to resolve the provocations of our world, said Ms. Justice Emils Rocio Morel, Judge Supreme Court of Justice, Paraguay. Those of who had the benefit of a good education and those of who have to the longing of a better world are obliged to serve our respective country. And in order to do that, it is necessary to be brave enough to cross the bridge and serve others. The conference embraces a great idea of how we all could make the world safe and peaceful. Ms. Justice Alvina Gailman, Judge, Constitutional Court, Armenia. We are for peace. We are for peaceful negotiations. We do hope that this conflict will be settled peacefully, that the war is not a way to solve it. There is a need for new international institution with legal and moral authority to frame the international law, felt Professor Feliciano Jr. Calora, President, Benguet State University, Philippines. The decision
The Supreme Court of the Philippines, led by Chief Justice Hilario Davide Jr., ruled that they can, for themselves and others of their generation and for the succeeding generation, file a class suit. Their personality to sue in behalf of succeeding generations is based on the concept of intergenerational responsibility. Insofar as the right of a balanced and helpful ecology or environment is concerned. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu Vishwa Ekta Satsangi Aap Sabhi Sabarivar Sadar Amantrit Hain.